गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको दो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बनवा दी थी, आज हम थर्ड कंस्ट्रक्शन जो है मैं बनवाने जा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। ओपन योर ज्योमेट्री बुक्स एंड नोटबुक। यस, क्वेश्चन थर्ड है। पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। क्वेश्चन थर्ड है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जिनके पास ज्योमेट्री है वो मेरे साथ साथ बनाओ, एक सर्कल ड्रॉ करो 3 सेंटीमीटर का। राइट, ड्रॉ कर दिया आपने। टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। आपको दो पॉइंट पी और क्यू लेने हैं। ये पेन से समझ नहीं आएगा जब तक आपके पास ज्योमेट्री नहीं होगी। जब साथ साथ बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आने वाला। टेक पी एंड क्यू, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ये इसका सेंटर है। अब सब बच्चे दोनों तरफ, सेंटर के इस तरफ भी, क्योंकि ये आपका 3 सेंटीमीटर का था जो सर्कल आपने ड्रॉ किया था, वो आपका 3 सेंटीमीटर था। अभी आपको यहां पर स्केल रखो आप इस सेंटर के ऊपर, और बिल्कुल स्ट्रेट आपने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है। ये टोटल लाइन जो है ओ से लेकर पी तक, ये आपकी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ड्रॉ कर दिया आपने। सब बच्चे मेरे साथ साथ बनाएंगे तभी आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ आएगी। आपको ओपी जो है 7 सेंटीमीटर लेना है, और ओ क्यू जो है इस तरफ भी, ये इस राइट हैंड साइड में 7 सेंटीमीटर लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम आपको 7 सेंटीमीटर जो है स्केल से, यहां पर P और Q दो पॉइंट्स लेने हैं 7 7 सेंटीमीटर पर। यहां तक समझ आ गई। अब आपको ये दोनों पॉइंट P और Q दोनों पॉइंट से, आपको ये जो मेन सर्कल था यहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। दो नहीं, चार होंगे, क्योंकि एक टेंजेंट तो आपका P से आएगा और दूसरा टेंजेंट आपका Q से आएगा। एक सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, मैंने आपको जब सर्कल का चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था दे आर इक्वल इन लेंथ, बताया था ना आपको। अब प्रोसेस भी मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो आपका ओपी लाइन सेगमेंट ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर का, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहां पर कंपास रखो आप अपना, और 7 का हाफ जो होता है 3.5 होता है। कितना होता है 3.5? तो आप 3.5 से चाहे ज्यादा ले लो चाहे कम ले लो। ठीक है, तो आपने यहां पर कंपास रखनी है और 3.5 से ज्यादा ओपन कर दो, चाहे 4 ऊपर कर दो चाहे 4.5 कर दो, और एक आर्क ऊपर लगा दो और एक आर्क नीचे लगा दो। ठीक है, यहाँ O के ऊपर रख के, यहाँ O के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर लगा दो और एक आर्क नीचे लगा दो। पहले O से रख के लगानी है, राइट? फिर आपने P के ऊपर रख के, P के ऊपर कंपास रखो और एक आर्क आपने यहाँ लगानी है और एक आर्क आपको यहाँ लगानी है। ये दोनों आर्क जो है स्केल की हेल्प से दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, समझ आ गया यहां तक स्टेप। अब इस लाइन के ऊपर ये एल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां तक समझ आ गया। अब एल के ऊपर आप अपना कंपास ओपन करो, एल के ऊपर रखो और पहले मेजर करके देख लो एल के ऊपर रखने के बाद कि क्या आपका एल पी और ओ एल जो दोनों सेम है,
ये 3.5 आएंगे दोनों, आप मेजर करके देखो। मैं अभी आपके यहीं पर आ रही हूं, ये आप एल के ऊपर कंपास रख के देखो और मेजर करके देखो कि क्या ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो एल के ऊपर रख के और एल ओ जितना मेजरमेंट लेकर, एल ओ या एल पी ले लो चाहे एल ओ ले लो, और एक क्या करो सर्कल ड्रॉ कर दो। अगेन ड्रॉ द सर्कल। यहां पर एल के ऊपर कंपास आपने रखनी है और जितना ये आर्क है यहां पर कंपास रखो और यहां से इतना ओपन करके एल पी जितना मेजरमेंट लेकर या एल ओ, दोनों सेम ही होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो एक आर्क यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दो। यहां तक समझ आ गया आपको? ड्रॉ हो गया आपका सर्कल। नाउ इस सर्कल, ये जो आपका मेन सर्कल था डॉटेड वाला नहीं, जो पहले वाला मेन सर्कल था, उसने यहाँ पर टी और टी प्राइम पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और इसको स्केल की हेल्प से दोनों को ज्वाइन कर दो। टी को भी पी से ज्वाइन कर दो और टी प्राइम को भी पी से ज्वाइन करो और इसकी लेंथ मेजर करो कि ये दोनों की लेंथ सेम है। पहले इन दोनों की लेंथ मेजर करके देखो कि क्या दोनों की लेंथ सेम है, उसके बाद नेक्स्ट कराती हूं। नेक्स्ट स्टेप, ये यहां पर आके टच किया, इन दोनों को मेजर करो, इन दोनों को मेजर करके देखो। सेम है दोनों का? राइट, दिखाओ, शो मी योर कॉपी। ये इस तरह से बनाना है, पहले ये एक सर्कल और दो टेंजेंट हो गए, ठीक है। अब इस तरफ वाला पार्ट, राइट। अभी आप क्या करेंगे, अब आप ओ क्यू, इधर भी आपने लेंथ एक्सटेंड की थी ना, जैसे ओपी एक्सटेंड किया था 7 सेंटीमीटर सेंटर से, ऐसे ही आपने ओ क्यू भी यहां पर एक्सटेंड करके 7 सेंटीमीटर लेंथ ली थी। अब आप कंपास यहां पर कंपास रखी और ये भी 7 सेंटीमीटर है। एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करते हैं तो हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क यहां और एक यहां, एक तो क्यू से लगानी है और एक ओ से लगानी है। एक आर्क ओ से और एक मार्क आपने क्यू से लगाना है, राइट। और स्केल की हेल्प से इन दोनों को मेजर कर दो, इन दोनों को मिला दो। ये यहां पर एम पॉइंट के ऊपर मीट किया, समझ आ रहा है यहां तक? अब एम के ऊपर कंपास रखो, ये ऐसे समझ नहीं आएंगे हाथ के ऊपर हाथ रख के, ठीक है। आपको साथ साथ बनाओगे तभी समझ आएंगे, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स ही नहीं है। अब आप M के ऊपर कंपास रखो और कितना ओपन करोगे, अब पलक कितना ओपन करोगे, अब M O और M Q दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और यहां पर रख के एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दो जो O से भी पास हो और Q से भी पास हो। यहां तक समझ आया? जब ये O से भी पास हो और Q से भी पास हो तो ये सर्कल को यहां पर मीट कर रहे हैं। ये मैंने यहां पर T1 लिखा था, अब ये पॉइंट T2 और T3 है, ठीक है। अब स्केल से आप T इसको भी मिला दो स्केल की हेल्प से और इसको भी मिला दो। अब आपके पास कितने टेंजेंट हो गए हैं, ये दो टेंजेंट तो ये हो गए और दो टेंजेंट ये हो गए। और अब आप अपना माइंड लगाओ, क्योंकि जो लेंथ थी यहां से सेंटर से यहां तक और सेंटर से यहां तक और जो बीच का सेंटर था वो सेम रेडियस थी,
तो उनका जो टेंजेंट की लेंथ भी होगी वो भी क्या होगी, सेम ही होगी ना आपकी। तो अब आप इसे मेजर करके देखो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है आपका, 90 डिग्री का। अब आपको जस्टिफिकेशन करना है इस क्वेश्चन का, डिग्री आपकी लेंथ कितनी आई है, कितनी आई आपकी लेंथ, नहीं सेम आनी चाहिए ना बेटे। तो अब आप ट्रायंगल ओटीपी में, मैं यहाँ पर मेजरमेंट निकाल के दिखा रही हूँ, ट्रायंगल ओटीपी में आपका एंगल टी क्या है, 90 डिग्री है, इसे लिखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस स्टूडेंट, ट्रायंगल ओटीपी में आपका एंगल टी क्या है, 90 डिग्री है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। तो हाइपोटेन्यूस आपका कितना है, ओपी कितना है, 7 है। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आपका ओटी जो है वो आपका था, ये जो सर्कल मैंने सेंटर वाला ड्रॉ किया था, कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था, 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। तो ओटी आपका 3 है, और ओपी आपका 7 है, और प्लस टीपी स्क्वायर, आपको टेंजेंट की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपका 7 का स्क्वायर क्या आ गया, 49, और 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस टीपी स्क्वायर। तो 49 माइनस 9 इक्वल टू टीपी स्क्वायर, तो 40 इक्वल टू टीपी स्क्वायर, तो टीपी जो है वो आपका यहाँ पर आ गया √40। यहाँ तक समझ आया आपको, √40 के फैक्टर्स बना दो, 10 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रूट 10। अब √10 की वैल्यू क्या होती है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं डेसिमल में, √10 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है। यहां पर 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से कैरी किया 00, स्क्वायर रूट सीख लो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं फाइंड आउट करना आता है तो। और ये डेसिमल आपका यही लग गया, सेम नंबर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। और अब यहाँ पर 1 1 चलेगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में 6 गया 3। अभी मैं इसको 3.1 ही ले रही हूँ, 1 डिजिट तक। तो ये लेंथ कितनी आनी चाहिए अप्रोक्स आपकी, 6.2 क्या आया था आपका लेंथ, कितना आया था, 6.2, इट्स करेक्ट, ठीक है। तो आपका लेंथ कितना, 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ रहा है सब स्टूडेंट को, और सब स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ये जो कंस्ट्रक्शन है, जब तक आप अपने हाथों से नहीं बनाएंगे एक एक कंस्ट्रक्शन को दो दो तीन तीन बार, तब तक आपको समझ नहीं आने वाली। यस, वो अप्रोक्स आ सकता है क्योंकि आपके 2 डिजिट होंगे तो 6.3 ही आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट माना जाएगा, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आगे करें हम, इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे हम, वो ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन का क्या आएगा, क्योंकि जब 4 मार्क्स की आपकी कंस्ट्रक्शन आती है, तो 4 मार्क्स की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के भी लिखने होते हैं, ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम ओपी एंड ओक्यू 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। इसके डायामीटर से 7 सेंटीमीटर बोथ साइड क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। नाउ टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी एंड ओक्यू विच मीट एट पॉइंट एल एंड एम, दोनों साइड में साथ साथ बोल रही हूँ, एंड फ्रॉम अ पॉइंट एल
टेक द रेडियस एल पी इक्वल टू एल ओ, दोनों बराबर होनी चाहिए, एंड ड्रॉ ए सर्कल विच मीट द मेन सर्कल, या जो गिवन सर्कल है एट पॉइंट टी एंड टी वन, ठीक है, ज्वाइन पी टू टी एंड पी टू टी वन, ठीक है। अगेन सेम स्टेप्स लिखकर आपको इसका जस्टिफिकेशन बताना है, और ये आपका जस्टिफिकेशन लिखने के बाद आपके टोटल मार्क्स का, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो आपके ये मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। पहला स्टेप आपको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके दिखानी है। और कुछ बच्चे, और एक बात बताती हूँ, ये लिखना भूल जाते हैं स्टेप्स की, ये कितने सेंटीमीटर था, यहाँ पर पॉइंट्स लिखना भूल जाते हैं, रट्टा मारकर भी कंस्ट्रक्शन का चले जाते हैं, और यहाँ पर पी पॉइंट किसी को, टीचर को पता ही नहीं है कि आपने पी पॉइंट्स कौन सा दिया था। तो जो जो पॉइंट आपने लिखे हैं उसी के हिसाब से आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ठीक है। नाउ डू द फोर्थ क्वेश्चन। कर दो डब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन। इसमें इंक्लाइंड एंगल इस क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है, सिर्फ एंगल चेंज कर देते हैं कई बार इस क्वेश्चन में, और हमेशा ये क्वेश्चन मोस्टली या तो फर्स्ट क्वेश्चन और या फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, और इस क्वेश्चन का हर एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना। पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर आपने कंपास ओपन करनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सेंटर था और 5 सेंटीमीटर सर्कल जो है, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है, हो गया। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? इसमें कुछ नहीं है, सर्कल तो आप बच्चों को ड्रॉ करना बहुत इजीली आता है। उसके बाद दे रखा है कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन इट, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, और सो दैट दे आर इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री। इनके टेंजेंट के बीच का जो इंक्लाइंड एंगल होना चाहिए ना, वो 60 डिग्री होना चाहिए। ये अगर मान लो दो टेंजेंट है, इंक्लाइंड एंगल इसे कहते हैं, इंक्लाइंड का मतलब दो टेंजेंट के बीच का एंगल, राइट। दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन में ये दे रखा है 60 डिग्री का इंक्लाइंड एंगल, और एक आपके पास सर्कल दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब मैंने आपको सर्कल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कराए थे, और उसमें मैंने बताया था कि अगर टेंजेंट के बीच का इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री होता है तो 10th क्वेश्चन था आपके 10.2 एक्सरसाइज का। अगर किसी को स्टेटमेंट याद है तो पढ़ के बताओ, बताओ, कोई भी स्टूडेंट पढ़ के बताओ। स्टेटमेंट थी, मैं बता रही हूं आपको, स्टेटमेंट थी द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एंड एंगल मेड बाय द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री। याद है तो, याद है आपको? नहीं है याद तो, अगर ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, ये आपके दो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है ना, ये पी और क्यू क्या है? पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है। तो अगर आपके पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के बीच का इंक्लूडिंग एंगल और जो दो टेंजेंट के बीच का इंक्लूडेड एंगल होता है, उन दोनों का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है वो। और ये मैंने मतलब कि एक तरह से ये थ्योरम ही है, प्रूव करके दिखाओ। तो ये दो एंगल का सम अगर 180 होता है और आपके पास अगर ये एंगल 60 दे रखा है, तो अगर ये दो एंगल का सम 180 हुआ तो 180 में से 60 चला गया, तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया?
120 डिग्री। अगर आपका एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी एम क्यू, अगर ये दोनों एंगल का सम 180 है और ये एंगल अगर आपको 60 दे रखा है, तो एंगल पी ओ क्यू कितने डिग्री का होना चाहिए? 120 डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका सेंटर पे एंगल जो बनाना है ना आपको, वो 120 डिग्री का एंगल बनाना है। और 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? यहां पर कंपास रखो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। और अब बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, ये जो ओपन वाली साइड है ना, यहां से आर्क लगाएंगे एक और फिर एक आर्क लगाएंगे और ये मिला देंगे और ये 120 डिग्री का एंगल बना देंगे। ऐसे नहीं बनाना है। कैसे 120 डिग्री का एंगल बनता है? ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहां पर कंपास रखनी है जहां पर मैंने अपना थंब रखा है और एक आर्क मैंने यहां लगाई और एक आर्क इस पॉइंट के ऊपर। दोबारा से देख लो, पहले यहां देख लो फिर आप इजिली बना पाओगे। एक आर्क यहां से रख के यहां पर लगा दी। अब ये जो एंगल बनेगा ना आपका, ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। बात समझ में आई सब बच्चों को? 120 डिग्री का एंगल समझ में आया? पहले अपनी कॉपी दिखाओ। पॉइंट पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया P, ये पॉइंट आ गया Q, ठीक है? दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये P पॉइंट भी आ गया और ये Q पॉइंट भी आ गया, राइट? अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने कहा है कि दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। अब आप P पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाओ। यहां पर कंपास रखी और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया और यहां पर कंपास रखी, एक आर्क लगाई, फिर यहां पर कंपास रखी, एक आर्क लगाई और फिर इन दोनों का हाफ किया, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। समझ आया? यहां तक सब ओके? ओके ओके। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? अब आपको क्या करना है, ये P के ऊपर तो आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ Q के ऊपर भी आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो Q के ऊपर कंपास रख के पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया ठीक है, और सेमी सर्कल से आपने ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल। यहां पे कंपास रखो, एक आर्क लगाई, अगेन यहां पे कंपास रखो, अगेन फिर एक आर्क लगाई और इन दोनों आर्क का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक यहां से आर्क लगा के और एक यहां से, और इन दोनों को आपने मिला देना स्केल की हेल्प से, इन दोनों को मिला देना। और ये दोनों जहां जाके मीट करेंगे, ये दोनों जहां जाके मीट करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको M नाम दे देना और ये मेजर करके देखो। M पर आप अपनी प्रोटेक्टर रखो और यहां पर मेजर करके देखो कि ये एंगल आपका 60 डिग्री है या नहीं। अगर तो 60 है देन आपकी कंस्ट्रक्शन राइट है, अगर 60 नहीं है तो आपका ये एंगल जो है रॉन्ग है। अब आप बना के देखो, जहां पर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल मीट किए हैं
ये बेटे आप थोड़ा नीचे बनाते, दोबारा बना के देखो, ये मेजर करके देखो आप प्रोटेक्टर से, ये प्रोटेक्टर से मेजर करके देखो, इट्स राइट right? नहीं है प्रोटेक्टर, ओके लो कॉपी दिखाओ, मैं बताती हूँ। यहां पर रख के ये आप मेजर करके देखो, ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है आपका, ठीक है, 2-3 लाइन उसका फर्क आ रहा है डॉट का। एक बार दोबारा बनाओगे तो क्लियर होगा, कंस्ट्रक्शन राइट है आपकी, ठीक है। मेजर करके देखा है ये, आप दिखाओ, हो गया, ये मेजर करके देखो प्लीज। अब आप एक एंगल, मैं अब आपको 45 डिग्री का एंगल दे रही हूं और आप कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ। कंस्ट्रक्ट पहले सर्कल जो है वो सेम ले लो 5 सेंटीमीटर का, और आपका दो टेंजेंट के बीच का इंक्लाइंड एंगल जो है वो यहां पर 45 डिग्री होना चाहिए। अब आप दोबारा एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। सब बच्चे, मैंने आपको कहा है कि इंक्लाइंड एंगल जो है अगर 45 डिग्री है, मैं रफ फिगर बना के दे रही हूं, अगर दो टेंजेंट के बीच का इंक्लाइंड एंगल 45 डिग्री है, देन आप कैसे टेंजेंट जो है यहां पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे इंक्लाइंड एंगल अगर 45 डिग्री है तो? ड्रॉ करके दिखाओ। अब आप सेंटर का एंगल कितने डिग्री का लेंगे आप? 135 डिग्री का। 180 में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो अब आप सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बनाएंगे? 135 डिग्री का। और 135 डिग्री का एंगल आता है बनाना सबको, कैसे बनाएंगे? या तो 90 और 180 का हाफ कर दो, या फिर 150 और 120 का हाफ कर देंगे। तो दोनों तरीके से बन सकता है, बना के दिखाओ। 90 और 180 का हाफ कर दो, 90 प्लस 180 270, 270 का हाफ करेंगे 135, ठीक है। ड्रॉ करो। यस 135, ये एंगल जो है आपका आना चाहिए 135 डिग्री आपको बनाना है। किस तरह से बनाएंगे आप ये बनाओ, और इंक्लाइंड एंगल जो है बाद में 45 आना चाहिए। ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ क्लास में करा रही हूँ। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनो, ये आप बना के लाना घर से। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक ए बी लेंथ 8 सेंटीमीटर ले लो पहले, क्वेश्चन नंबर 5 बना रही हूं मैं, आप मेरे साथ साथ बनाओ। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि इंक्लाइंड एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, वो आप घर से बना के लाना, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज ए सेंटर। आपको ए सेंटर लेना है ये वाला, और ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले कितने सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है आपको? 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो ए के ऊपर कंपास रख के। ये कितने सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया आपने? 4 सेंटीमीटर का। यहां तक समझ आया? उसके बाद ड्रॉ ए टेकिंग बी एज ए सेंटर। अब बी को सेंटर लेना है, और ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर।
और आपने B को सेंटर मान के एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जो जिसकी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब B को सेंटर मान के आपने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल। आपको इन दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अब आप अपना माइंड लगाओ कि इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कैसे हो सकते हैं और इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कैसे हो सकते हैं। टेंजेंट हमेशा जो है बार के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होंगे। मान लो ये सर्कल है तो इसका एक्सटर्नल पॉइंट ए है, और अगर ये सर्कल है तो इसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, बी है। तो आप ए बी लाइन सेगमेंट जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। यहाँ पर हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करो। ए टोटल लेंथ है तो इसका हाफ जो है वो 4 होगा, तो 4 से ज्यादा कंपास ओपन करो और एक आर्क ऊपर लगा दो और एक आर्क नीचे। ए से लगानी है आर्क और बी के ऊपर कंपास रखो और एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, और आपने इन दोनों को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना। यहां तक समझ आया? अब ये एल पॉइंट के ऊपर, मान लो एल पॉइंट के ऊपर जो है ये यहां मीट किया, ये लाइन सेगमेंट जो है। अब आप अपना लेंथ मेजर करके देखो, जो एल ए और एल बी ये दोनों लेंथ जो है आपकी इक्वल होनी चाहिए, 4-4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतने सेंटीमीटर होनी चाहिए, 4-4 सेंटीमीटर। और L के ऊपर कंपास रख के एल बी और एल ए दोनों माप के देखो कि इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो एक सर्कल ड्रॉ कर दो जो A से भी पास होके जाए और B से भी पास होके जाए। समझ आया मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि L को सेंटर मान के एल बी और एल ए आपका सेम होना चाहिए, और ये वाला जो सर्कल है पूरा ये सर्कल ड्रॉ करो। हो गया? अब ये वाले छोटा सर्कल जो 3 सेंटीमीटर वाला था, ये बड़े सर्कल जो मैंने अब ड्रॉ किया है वो किस पॉइंट के ऊपर आके टच कर रहा है? मान लो ये T1 और T2 के ऊपर मिल रहा है, यहां पर और यहां पर। तो इस सर्कल के टेंजेंट कहां से मिलाओगे? इसका एक्सटर्नल पॉइंट ए है ना, तो ए को T1 से मिला दो और T2 को भी ए से मिला दो। इस सर्कल के तो ये दो टेंजेंट हो गए, ठीक है। और अगेन यहां पर ये 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को कहां टच किया है? एक पॉइंट T3 है और एक पॉइंट T4 है। समझ आ रहा है मैं कैसे बना रही हूं? तो T3 को भी TB से मिला दो और T4 को भी B पॉइंट से मिला दो। तो ये 4 टेंजेंट ड्रॉ हो गए। इस सर्कल का टेंजेंट जो है वो तो है T T' A, और A को T2 से मिला दिया, ठीक है। और जो ये वाला सर्कल है आपका, इसके टेंजेंट जो है कौन से हैं? T3B और T4B। समझ आया? अब आपको इसकी लेंथ मेजरमेंट करके देखनी है बाय जस्टिफिकेशन।